हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे जूनियर केजी विषय हिंदी। तो उसमें हमारा आज का अक्षर है हमारा त्र अक्षर। त्र त्र से क्या आएगा? तो त्र से आएगा त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? तो यहाँ हमें दिया गया है कि त्र अक्षर में रंग भरिए, यानी कि हमें यहाँ क्या करना है? तो ये जो हमें त्र अक्षर दिया गया है उसमें हमें कलर फिलअप्स करने हैं, यानी कि जो त्र अक्षर है उसमें हमें रंग भरने हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से रंग भरेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमें ये जो त्र अक्षर दिया गया है उसमें हमें रंग बनने हैं। तो त्र से आएगा हमारा त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि त्र कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हम पहले स्टेप में एक लाइन इस तरह से बना देंगे, थोड़ी टेढ़ी। दूसरे स्टेप में पहले बनाई थी ऐसी लाइन खींच लेंगे, थोड़ी छोटी सी टेढ़ी। फिर एक क्रॉस लाइन बना देंगे उसके नीचे इस तरह से। तीसरे स्टेप में पहले स्टेप की लाइन, दूसरे स्टेप की टेढ़ी लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे? तो पहले स्टेप की जो लाइन खींची थी वैसी लाइन बना देंगे, फिर दूसरे स्टेप की टेढ़ी लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर की ओर स्लिपिंग लाइन। तो ये बन जाएगा हमारा त्र अक्षर, त्र से त्रिशूल। तो त्र अक्षर कैसे बनाया जाता है? तो त्र अक्षर के बनाने के लिए हमें पहले एक छोटी सी मुड़ी हुई लाइन बनानी है, फिर उसके नीचे एक टेढ़ी लाइन बनानी है, फिर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर की ओर स्लिपिंग लाइन। तो ऐसे बनेगा हमारा त्र अक्षर, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। अब बच्चों, आगे हमें क्या करना है? तो यहाँ डॉट्स के रूप में हमें कुछ त्र अक्षर दिए गए हैं, उन डॉट्स को जोड़ते हुए हमें सारे त्र अक्षर लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे? इन बिंदुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, यानी ये डॉट्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़कर हम त्र अक्षर बनाएंगे। तो त्र से आएगा त्रिशूल, त्र, त्र से 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 त्रिशूल, त्र, त्र, त्र से आएगा हमारा त्रिशूल। तो बच्चों, यहाँ हमें डॉट्स के रूप में जितने भी त्र अक्षर दिए थे उसे हमें इस तरह से पेंसिल से त्र अक्षर कैसे बनाया जाता है वो सीखना है। तो त्र से आएगा हमारा त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। अब आगे हमें क्या करना है? तो यहाँ नीचे हमें कुछ खाली लाइनें दी गई है, उसमें हमने जैसे ऊपर त्र बनाए वैसे ही त्र हमें यहाँ अपने आप बनाने हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से पहले जैसे हमने सीखा इस तरह से एक लाइन बना देंगे, फिर दूसरी लाइन को उसके नीचे इस तरह से टेढ़ी बना देंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर की ओर स्लिपिंग लाइन। तो बन जाएगा हमारा त्र अक्षर, त्र से त्रिशूल। ऐसे ही हमें यहाँ जितनी भी लाइनें हैं दी गई है सब में हमें त्र अक्षर बनाने हैं। त्र, त्र से त्रिशूल, त्र, त्र से त्रिशूल, त्र, त्र से त्रिशूल, त्र, त्र से त्रिशूल, त्र, त्र से आएगा त्रिशूल, त्र,
से त्रिशूल, प्र प्र से त्रिशूल, त्र त्र से त्रिशूल, त्र त्र से त्रिशूल। तो बच्चों हमने यहाँ पर सीखा कि त्र अक्षर हमें कैसे बनाना है। त्र त्र से आएगा हमारा त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। तो जो हमारी वर्णमाला है उसमें हमारा व्यंजन त्र अक्षर यहीं पर पूरा होता है। थैंक यू।